ने बोला है गौतम और शालिन को कि तुम दोनों हो बेकार। चलिए आप लोगों को बताते हैं बिग बॉस 16 के घर से जुड़ी हुई ये लेटेस्ट अपडेट। मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज बनता है और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए तो आपका ये भी फर्ज बनेगा। तो गाइज जैसे कि सुमुल की हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, अभी जो है काफी सारे चेंजेस जो है सुमुल खान में नजर आ रही हैं जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, हम लगातार आप तक वो वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। इसी बीच में जो है सुमुल ने सुबह चाय बनाई पर चाय में दूध काफी ज्यादा था जो कि गौतम और सब घर वालों को पूछती हुई नजर आए सुमुल। और सबसे स्पेशली जो है उनके लिए ओपिनियन जो है गौतम और शालिन का था, जहां पर गौतम जो है वो ये बात बोलते कि नहीं तेरी चाय जो है बेकार थी, गंदी थी, कड़क नहीं थी तेरी चाय, दूध दूध था वहां पर। तो सुमुल जो है काफी सारी ये बातें बोलती रहती है कि भाई तुम तो बेकार हो, तुम तो एहसान फरामोश हो जो कि ये बातें मैं तुम्हें चाय भी बना के दूं और फिर तुम मेरी चाय की तारीफ भी ना करो। उसके बाद गौतम बोलते कि भाई शालिन को भी पसंद नहीं है, जहां पर शालिन को पूछते हो ये शालिन तुझे क्या मेरे हाथ की चाय का पसंद नहीं है, जहां पर शालिन जो है कुछ बात बोलते हैं और बोलने के बाद ये बात बोलती है सुमुल की तुम लोग एहसान फरामोश हो और तुम दोनों जो हो काफी ज्यादा बेकार हो। ये बातें जो है सुमुल बोल रही है और काफी सारी बातें जो है अभी अलग अलग करती हुई नजर आ रही है, अपने आप को खोल रही है सुमुल जो कि आप लोग देखना चाहते थे। सुमुल जो है काफी ज्यादा ट्राई कर रही है, मुझे लगता है कि उनको एक और हफ्ता जो मिला है वो उनके लिए काफी अच्छा है और सुमुल जो है अपनी गेम बहुत जल्द दिखाने वाली है और जो सुमुल के फैंस है उनको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि आपके क्या विचार है बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।